जनपद में बढ़ रहे कोरोना मरीज को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में पिछले एक हफ्ते से कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया है और जनपद में 6 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से वार्ता करके निर्देशित किया गया है कि जनपद के जितने भी कोविड से रिलेटिव हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटलों की साफ सफाई, बिजली पानी व्यवस्था किया जाए और हॉस्पिटल के अंदर जो भी उपकरण औषधियाँ हैं उसे मौजूद रखें। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी को 100% टीकाकरण कराया जाए। आशाओं को 10-10 कोविड किट दे दिया गया है कि जब अपने क्षेत्र में जाए तो कोई ऐसा मरीज मिलता है तो उसे दवाई दें। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे ताकि जनपद को कोरोना मुक्त बनाने में सफल हो पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए निश्चित रूप से जनपद में कोविड का प्रभाव 3-4 दिनों से अत्यधिक हो गया है और जैसा कि कल है कि कल 6 केस निकल आए हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने कल ही अपने सभी चिकित्सा अधिकारियों से वार्ता की और वार्ता के क्रम में हमने एक उनको निर्देशित किया कि जितने भी हमारे कोविड से रिलेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त कर लें, वहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था कर लें और जो भी आवश्यक उपकरण और औषधियाँ हैं उनको क्रियाशील कर लें, एक बार पुनः अपने सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दें और पूरी तरह से सजग सतर्क रहें जिससे कि कहीं भी कोई इस तरह से आउटब्रेक होता है तो उस पर कर। इसी के साथ साथ उनको ये भी निर्देश दिया गया कि ILI और सारी के जो भी मरीज आ रहे हैं उनको कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें, अपने चिकित्सालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर लें और चिकित्सालय आने वाले प्रत्येक मरीज और उनके तीमारदार का कोविड टेस्ट कराएं और कोविड प्रोटोकॉल जैसे है कोरोना मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें, स्वयं भीड़ भाड़ की जाने वाली स्थानों से परहेज करें और जहां पर कोई इस तरह के नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से परहेज रखें और साथ ही साथ जो है जहाँ पर फोकस सैंपलिंग करने के लिए भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उन स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कराएं और जो कोविड का पूरा हमारा है ट्रेस टेस्ट ट्रीट टीकाकरण के प्रोटोकॉल का पालन करें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हर जगह क्रियाशील करके लोगों को सचेत करें, कोविड के बारे में जानकारी दें और इसी के साथ साथ जो हमारे मेले लगने वाले हैं वहाँ पर भी जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और साथ ही साथ जो है 12 वर्ष से जितने ऊपर के जितने भी लोग हैं सब लोगों का 100% टीकाकरण कराया जाए, जो पहली, दूसरी या तीसरी खुराक लिए एलिजिबल हैं उनको टीकाकरण कराने के लिए किया जाए। आशाओं को 10-10 कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया है जिससे कि वो क्षेत्र में जब भ्रमण पर जाएँ तो अगर कोई भी मरीज ILI या सारी का दिखता है तो उसको दवाएं दे दें। इसी के साथ साथ ग्रामीण जनों से और सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, बंगलौर से अगर आता है तो उसे सर्वप्रथम घर के बाहर ही रखें और उसकी पहले कोविड टेस्ट की जाँच करा लें, अगर वो कोविड निगेटिव होता है तभी उसे परिवार में सम्मिलित करें। मुझे उम्मीद है कि जैसे भी गोरखपुर की जनता ने हमें पहले, दूसरी, तीसरी लहर में सहयोग दिया और भविष्य में भी हमें उसका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और गोरखपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं पुनः गोरखपुर को कोविड मुक्त बनाने में सफल रहूँगा।